अमरीन साहब, सबसे पहले तो जरा जो इंसिडेंट हुआ है, आप ये बताइएगा कि आप अपने बच्चों के साथ गाड़ी के अंदर मौजूद थी, लाहौर के किस एरिया में वाकया पेश आया और वाकया हुआ किस तरह? एक गली के अंदर एक वाकया पेश होता है तो आपने 15 पे उस पर कॉल क्यों नहीं की और बाद में जाके आपने पुलिस को क्यों इन्फॉर्म किया? अच्छा, इसमें जारी बात है, अहमद नूरानी साहब जो है वो आपसे रिलेटेड है, तो बहुत से लोग जो है इसको अहमद नूरानी साहब की जो रिसेंट स्टोरी है उसके साथ भी इसको जोड़ रहे हैं या बात कर रहे हैं इस पे। आपको इस सिलसिले में किसी पे कोई शक है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे आपने जब कॉन्टैक्ट किया था तो एक्चुअली आप इस बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर कर रही थी। मुझे एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग जब तक आपने मुझसे रापता नहीं किया था, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं। ये वो कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आप कह रही थी कि आप कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहती है? व्हाट इज दैट टॉपिक? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पिछले दिनों अहमद नूरानी साहब जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो रिलीज़ की थी, उसके बाद काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं। मेरे ख्याल में मुझे उसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी हद तक बात को जानते हैं। जैसे ही ये खबर आई थी तो उसके थोड़ी देर के बाद उनकी जो अहलियाँ हैं अमरीन फातिमा साहिबा, उनकी गाड़ी के ऊपर लाहौर में हमला हुआ और उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और उसके बाद जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई इस सिलसिले में कि ये हमला किसने किया है। सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रुकी, इसके अलावा भी चंद कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई इनकी अहलिया को लेकर। इनकी अहलिया ने मुझसे रब्ता किया और ख़ुद उन्होंने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी मैं कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहती हूँ। तो इसमें कुछ हद तक चीज़ें जो हैं उस इंसिडेंट से रिलेटेड हैं और कुछ चीज़ें जो हैं उनकी ज़ाती हैसियत से ताल्लुक़ रखती हैं। अच्छा, जो ज़ाती हैसियत की बात है ये कुछ पर्सनल लाइंस के अंदर जाने वाली बात है। मैं नॉर्मली इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, मैं नहीं बात करता इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन चूंकि इन्होंने ख़ुद रब्ता किया और इन्होंने ख़ुद रब्ता करके कहा कि जी मैं आप मुझे मौका दें, कुछ चीज़ें मेरे बारे में गलत सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जा रही हैं और मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, आप मुझे इस चीज़ का मौका दें। तो इसलिए फिर मैंने कहा जी ठीक है, ये आपका राइट है, अगर आप इसको क्लैरिफाई करना चाहती हैं तो आपका राइट है, इसलिए मैं इस इंटरव्यू को अब कंडक्ट कर रहा हूँ। इस वक्त अमरीन फातिमा साहिबा हमारे साथ ही मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अमरीन साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले मैं ज़रा एक क्लैरिटी के लिए अपने नाज़रीन के लिए ज़रूरी है कि इस बात को क्लैरिफाई कर दिया जाए कि ये इंटरव्यू जो है ये आपके कहने के ऊपर आपकी मर्ज़ी से हो रहा है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक पर्सनल इशूज़ भी इसके अंदर डिस्कस होने हैं, तो इसलिए मैं नॉर्मली इस एरियाज़ के अंदर जाता नहीं हूँ, लेकिन चूँकि आपने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था और ये इंटरव्यू आपके कहने पर हो रहा है तो इसलिए हम ये इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करना चाहते हैं, चूँकि आप भी काफ़ी हद तक चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहती हैं। इज दिस करेक्ट? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अमरीन साहब, सबसे पहले तो जरा जो इंसिडेंट हुआ है जरा उसके ऊपर आ जाए। आप ये बताइएगा कि आप अपने बच्चों के साथ गाड़ी के अंदर मौजूद थी, किस लाहौर के किस एरिया में वाकया पेश आया और वाकया हुआ किस तरह? ऐसा है कि मंसूर, मैं अपनी वालदा की तरफ ही ज्यादातर होती हूँ और शाम 7 से 8:30 के दरमियान जो है वो मैं अपनी छोटी बहन आमना, उसका नाम है, उसके साथ ना वॉक करती हूँ। यूजुअली ये होता है कि अरीबा जो मेरी बेटी वो मेरे साथ होती है और बेटा जो अब्बू के पास मैं छोड़ जाती हूँ, लेकिन कभी दोनों भी साथ होते हैं। तो बस ये 7 से 8:30 के दरमियान जो है वो हम वॉक करते हैं किसी भी टाइम पे इसमें ना। तो उस दिन ये हुआ कि मेरे भाई का बेटा जो कि कोई 2.5 साल का होगा या 2.5 साल का होगा, वो और मेरी बेटी अरीबा जो कि 2.25 साल की है, तो वो आपस में ना झगड़ रहे थे एक गाड़ी से। मेरी बेटी उसको कह रही तुम गाड़ी नहीं लेके आए हो तो मुझे दे दो। ये दोनों झगड़ा करना शुरू हो गए तो मैंने कहा अरीबा चलो आपको ना फोर्ट्रेस लेके चलती हूँ। वो फोर्ट्रेस खुशी से जाती, मुझे कहती मामा मुझे फोर्टन, हाँ ठीक है लेके चलो। तो मैंने कहा अच्छा चलो आज वॉक जो है ना वो रहने देते हैं। तो मैंने गाड़ी निकाली है तो मैंने सोचा कि अगर अरीबा को आगे बिठाया तो जो भाई का बेटा है इब्राहिम वो भी आगे आना चाहेगा, तो इस तरह दोनों का झगड़ा होगा, ये बैठेंगे तो एक साथ, तो इन्होंने बैठना भी नहीं। मैंने अपनी बहन को कहा आमना एक काम करो, मैं गाड़ी ड्राइव करती तुम ना इन दोनों को लेके ना पीछे ही बैठ जाओ ताकि ये दोनों ना झगड़ा ना कर सके, एक को इस तरफ बिठाना एक को इस तरफ बिठाना। तो कहती है चलो ठीक है। मैं ना
वही हमारे रास्ते जो वॉक वाले हैं उसी से मैं निकली हूँ। दूसरी गली में जब मैं पहुंची हूँ तो ये दोनों आपस में झगड़ना शुरू हो गए ना, बावजूद इसके कि आमना दरम्यान में बैठी है, इर्द गिर्द बैठे हुए झगड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि एक काम करो, तुम ना अरीबा को मुझे आगे दे दो। मैंने ना गाड़ी डेड स्लो की और ब्रेक पे पाँव रखा, तो मैंने ना यूं हाथ किए पीछे की तरफ, मैंने कहा आओ अरीबा। इतनी देर में मैं क्या देखती हूँ, राइट साइड पे ना एक और जहां पे मैं खड़ी इस तरफ एक राइट साइड पे ना गली भी थी, वहां से कोई निकलता है। वो ना विंड स्क्रीन पर ना उसने ऐसे कुछ जोर जोर से मार रहा है वो। तो मुझे तो इतनी घबराहट हुई एकदम से, मैंने अपने आमना को कहा, मैंने कहा आमना बच्चों को नीचे करो, या पता नहीं क्या मैंने उस वक्त इस तरह, लेकिन मैंने अपनी बहन को बुलाया। तो उसने ना मेरे बच्चे ऊंची ऊंची रोना शुरू हो गए हैं दोनों। तो मेरी बहन ने उन दोनों बच्चों को ना ऐसे नीचे कर लिया, सीट से नीचे लेके बैठ के वो हो गई, और मैंने आंखों पे हाथ रख लिए और मुझे समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है। उसके बाद ना मुझे इतना आवाज आई यानी कि ना मार दियांगा कुछ इस तरह मुझे समझ आई, ये उसने ऐसा कुछ कहा। अच्छा, तो मैंने आंखों पे हाथ रखे थे, किर्चियां जो थी वो टूट कर अंदर गिरी है, मेरे हाथ में भी लगी, और शुक्र है उस वक्त अरीबा को मैं आगे नहीं बिठा चुकी थी, वरना वो जो किर्चियां थी ना वो यकीनन अरीबा के फेस पे भी लग सकती थी, तो जख्मी हो सकती थी वो। तो ऐसे जो मैंने देखा है वो जा चुका है और शीशे अंदर टूट के गिरे हुए, और मैं इतना मतलब एकदम से मुझे समझ नहीं आई क्या हुआ है। तो मैंने ये जी बुध की रात का वाकया है, 8 बजे, कुछ लोग ये कह रहे थे रात में किसी का वीलॉग सुन रही थी, उस मोहतरम को रत्ती बराबर भी नहीं इंफॉर्मेशन थी कि क्या बात हुई क्या नहीं। वो कह रहे थे कि बुध की रात को हुआ, ये जुमेरात को जाके उसमें पुलिस में रिपोर्ट करवा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, जब ये इंसिडेंट हुआ तो मैं उसी वक्त, अब मेरे बच्चे ऊंची ऊंची रोना शुरू हो गए, चौके दोनों छोटे हैं, तो मैंने अपनी ये बहन से किसने कहा तुम किसने ये भागो। बात कही है? ये किसने ये बात कही है? ये कोई वीलॉग, ये किसी ने रात वीलॉग में किसी का सुन रही थी, मुझे नहीं पता वो कौन है। तो वो कह रहा था जी कि मोहतरमा इतनी सच्ची थी तो उस वक्त क्यों नहीं गई, 115 पे कॉल क्यों नहीं की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मेरे बच्चे पीछे रो रहे थे और जिस तरह से ये एकदम से यानी मैं इंसिडेंट हुआ अच्छा अच्छा मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैं समझ, ये आप सिदीक जान साहब की बात कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में उन्होंने अपने व्लॉग में कहा कि जी आप एक गली के अंदर एक वाकया पेश होता है तो आपने 15 पे उस पर कॉल क्यों नहीं की और बाद में जाके आपने पुलिस को क्यों इन्फॉर्म किया? आई थिंक उन्होंने ये बात कही। उसके अलावा भी एक और साहब भी थे जो कह रहे थे जी कि एक रात वाकया हुआ तो अगले दिन जाके रिपोर्ट करी, उन बेचारों को कुछ भी नहीं वैसे आप पता था, जवाब वो बेचारे इसका जवाब दीजिए, ऐसा क्यों हुआ था कि क्या। नहीं, आपने अगले दिन जाके रिपोर्ट किया था इसको रात को जब ये वाकया ऐसा पेश आया? नहीं है, मैं वही क्लियर करना चाहती हूँ कि जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। जैसे ये इंसिडेंट हुआ है, मेरे बच्चे ऊंची ऊंची रो रहे थे, तो मैंने अपनी बहन से कहा, मैंने कहा तुम इनको घर लेके पहुंचो, डैडी को बाहर बुलाओ। मैंने उन दोनों बच्चों को घर छोड़ा है और मैं अपने डैडी को पकड़ा, मैं पुलिस स्टेशन गई, तो वहां मैंने उनको सारा कुछ बयान किया। उन्होंने बाहर आके मेरी गाड़ी देखी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, ये बकायदा हमला ये एरिया ही कौन सा है जहां पे हुआ लगा है? ये है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट एरिया कौन सा है ये? ये मेरी वालदा जो है ना वो जी यहाँ केनाल पे है, ताजपुरा स्कीम लाहौर, ये हाँ वहां का हाँ वाकया है। ठीक है, तो गाजियाबाद थाना में जब मैं गई तो वहां पर उन्होंने काफी कोऑपरेट भी किया और उन्होंने गाड़ी भी सारी देखी। उन्होंने कहा ये FIR दर्ज, इसकी हम करते हैं, कोई रात 12 बजे के करीब FIR दर्ज हुई है। और FIR जब मुझे मिली है तो उसके बाद फिर मैंने डेली जंग वालों से राबता किया, उन्होंने कहा आपके पास कोई FIR या कोई वीडियो या कोई उसकी है जो स्क्रीन टूटी है उसकी तस्वीरें वगैरह। मैंने कहा जी पुलिस ने अभी जो उतारी थी वो मुझे भी दी, तो उनको मैंने भेजा, उन्होंने इसको न्यूज को लगाया अगले दिन। तो उसके बाद कहीं हम सब वालों ने लगाया तो ये सारा मामला उठा, तो ये सारी चीज थी। तो फिर ये था कि अगले दिन पुलिस जो थी वो आई और उन्होंने सारा कुछ देखा और किया। तो मुझे उन्होंने पूछा कि किस चीज से मारा, मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, ये कोई पत्थर या ईंट तो नहीं लग रही है, क्योंकि अगर वो उससे मारता तो यकीनन गाड़ी के ऊपर कोई चीज तो रह जाती। तो फिर उन्होंने, उनकी टीम आई, वो सारा उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने कहा कि ये कोई या तो हथौड़ा लगता है या कोई रॉड लगता है जिससे ये मारा गया है ना। तो अभी तक तो खैर वो तफ्तीश कर रहे हैं, कल तक अच्छा तो वो इसमें मुझसे पूछगिछ करते रहे। ठीक, अच्छा इसमें जाहिर बात है जी अहमद नुरानी साहब जो हैं वो आपसे रिलेटेड हैं, तो बहुत से लोग जो हैं इसको अहमद जी नुरानी साहब की जो रीसेंट स्टोरी है उसके साथ भी इसको मतलब जोड़ रहे हैं या बात कर रहे हैं इस पे। उन्होंने जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की मुबैन ऑडियो के हवाले से जो खबर की है,
आपको इस सिलसिले में टू बी वेरी क्लियर किसी पे कोई शक है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, आप एब्सोल्युटली डोंट थिंक के किसी के ऊपर फिंगर पॉइंट्स करनी चाहिए? अहमद रानी की वाइफ होने के बावजूद मैं ये कह रही हूँ कि मैंने उस वक्त भी बयान पुलिस को ये दिया था, मैं किसी को सस्पेक्ट नहीं कर रही। उन्होंने कहा रिसेंटली कुछ लिखा हो आपने, तो मैंने कहा जी मेरे हम सब के लिए पिछले ही हफ्ते कोई 3-4 कॉलम छपे हैं जो कि मैंने बड़े खुले हाथ से लिखे थे, तो उनके ऊपर सोशल मीडिया पे मुझे बहुत ज्यादा लानतान भी की गई। एक तो मैंने दीनी मदारिस के हवाले से लिखा था, और दूसरा जो था कल अदम तंजीमों के हवाले से लिखा, सहाफियों के हवाले से लिखा, साकिब निसार नवाशी बा मुकाबला साकिब निसार लिखा, तो मैंने काफी खुले हाथ से लिखा था, तो वो हम सब पे वैसे ही छपा था। मैंने उनको बताया कि ये मैंने कॉलम्स लिखे थे, उन्होंने उसकी तफसील भी मुझसे ले ली थी और लिंक्स भी ले लिए थे, तो कह रहे थे किसी को सस्पेक्ट करी। मैंने कहा जी मैं किसी को भी नहीं करी, मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या हुआ है, तो मैं नहीं जानती वो कौन। ठीक है, अच्छा अहमद नूरानी साहब ने भी वैसे ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी दिस इज मतलब उन्होंने एग्जैक्टली कहा कि जी मेनी मीडिया पर्सन्स एंड फ्रेंड्स आर कनेक्टेड इन इंसिडेंट ऑफ अटैक इन लाहौर विद मी एंड माय रीसेंट स्टोरी अबाउट जस्टिस साकिब निसार ऑडियो, दिस इज इनकरेक्ट। तो बेसिकली आप दोनों का इस मामले में कम से कम पॉइंट ऑफ व्यू एक ही लगता है। देखिए मैं तो किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा सकती, लेकिन ये है कि माजी में भी अहमद की जब कोई लास्ट ईयर स्टोरी आनी थी तब भी मुझे ये था कि बाकायदा, तब तो बाकायदा तौर पर एक साहब की तरफ से मुझे प्रेशराइज करवाया जा रहा था कि अपने मियाँ से कह के स्टोरी रुकवाओ, और वो टाइम था जब 2 वीक्स के बाद मेरा बेबी होने वाला था, मेरा बेटा पैदा होने वाला था, तो पहले ही मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुई हुई थी, तो स्टोरी आने से 10-12 घंटे पहले मुझे मुसलसल वक्फे वक्फे से पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत है, वो मेरे छोटे भाई बने हुए हैं, उनके जरिए मुझे फोन करवाया जाता रहा और कहा जाता रहा कि अहमद से कहें कि स्टोरी रोक दें और हमारे साथ बैठ के बात कर लें, ये वो इस तरह की चीजें वो मैंने अहमद तक पहुंचा दी थी। तो उस वक्त भी अहमद की बीवी होने की वजह से ही मुझे प्रेशराइज किया गया था, मेरी कोई जर्नलिज्म कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगी कि मैं ये नहीं कह रही ये जो भी हुआ है ये कोई अहमद के दुश्मन है या कोई इस तरह से, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही क्योंकि मैं अभी कुछ नहीं कह सकती कि ये क्यों मतलब हुआ इसे, है, किसने इसे किया। नामालूम अफराद ही कहा जाएगा, नामालूम अफराद यही कहा जी जाएगा। बिल्कुल, देखिए मैंने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैंने कुछ कॉलम्स भी लिखे थे, उनका रिएक्शन भी हो सकता है, या ये सिर्फ मैं एक बात कर रही हूँ, ठीक है ना, कि कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, मैं श्योरली कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अहमद की बीवी होने की वजह से मुझे लास्ट ईयर बहुत प्रेशराइज किया गया था, बाकायदा कॉल्स कर पाई गई कि स्टोरी रुकवाए। अच्छा ये आपने बार बार इसका तस्करा किया बीवी होने के नाते, मुझे आपने जब कांटेक्ट किया था तो एक्चुअली आप इस बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर कर रही थी, मुझे एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग जब तक आपने मुझसे रब्ता नहीं किया था मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं। ये वो एक वो कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसपे आप कह रही थी कि आप कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहती है, व्हाट इज दैट टॉपिक? देखिए मेरी बात सुने, कल जब मैं परसों बीबीसी ने मेरा इंटरव्यू किया, इस इंसिडेंट के बारे में पूछा, मैंने उनको सब कुछ बताया, वो उन्होंने इंटरव्यू छाप दिया। अच्छा जब वो छप गया तो अगले दिन मैं क्या देखती हूँ कि मेरे एक सर हैं वो मुझे ना लिंक भेज रहे हैं, इसी टाइम पे कल ना मुझे एक लिंक भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि बीबीसी आपको एक्स वाइफ लिखा हुआ है, तो मैंने घबरा के बीबीसी साहब का अहलिया लिखा हुआ है, आपका अहलिया लिखा हुआ बीबीसी वालों ने ये क्या है, मैंने घबरा कर उनको तो कोई जवाब नहीं दिया, मैंने बीबीसी वालों से रब्ता किया, मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक है, मैंने कहा ये आपने साबका अहलिया कैसे लिख दिया, तो मैंने कहा लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मैं साबका अहलिया नहीं हूँ, मैं उनके आज के दिन तक भी निकाह में मौजूद हूँ और ये गलत बात है ऐसे साबका अहलिया लिखना। तो मैं बड़ा हैरान हुई कि उन्होंने मुझे बताया कि हमें अहमद ने खुद कॉल करके कहा कि इन्हें मेरी वाइफ ना लिखें, साबका अहलिया लिखें। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने फिर भी नहीं माना, मैंने कहा नहीं नहीं कोई गलत फहमी हो रही है, अहमद ऐसे नहीं कह सकते, मैं उसके निकाह में मौजूद हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये उन्होंने कहा है, तो मैंने उनको क्लियर किया, मैंने कहा मैं तो अभी तक उनके निकाह में मौजूद हूँ और मेरी कोई डिवोर्स नहीं हुई, हमारे इख्तलाफात शदीद किस्म के हैं लेकिन हमारी डिवोर्स बिल्कुल, तो आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, अगर अहमद ने कह भी दिया था तो आपको मुझसे भी पूछना चाहिए था। बहरहाल उनकी मेहरबानी कि उन्होंने जो है वो इस चीज की तस्दीक की और उन्होंने मुझे अहमद रानी की अहलिया लिखा, लेकिन उसके बाद सदीक जान साहब का मैं व्लॉग सुन रही हूँ, कहाँ सदीक जान साहब अहमद नूरानी के खिलाफ बात कर रहे हैं,
कहाँ वो उनके हक में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सारा भांडा फूट गया, वो तो उसकी अहलिया भी नहीं है। और फवाद चौधरी साहब अभी किसी चैनल, मुझे किसी ने भेजा था लिंक, वो टीवी में किसी को, किसी एंकर को बोल रहे हैं कि वो उनकी साबका अहलिया हैं। और सदीक जान साहब का भी मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें उसने लिखा हुआ है कि अहमद नूरानी को प्रेशराइज किया जा रहा है कि एक ट्वीट करके कह दे कि अमरीन मेरी वाइफ है, जबकि वो कह चुका है कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मुझे सदीक जान से ये पूछना है कि कल तक आप अहमद के इतने खिलाफ थे और आज उसके हक में लिख रहे हैं, एक औरत के खिलाफ जाकर एक औरत से आप उसका मौकफ भी नहीं ले रहे, पूछ भी नहीं रहे कुछ, और फजूल आप बोलते जा रहे हैं, वो कहाँ है डिवोर्स पेपर्स? अगर अहमद बीबीसी को भी कह रहे हैं या अपने सारे दोस्तों को कह रहे हैं कि हमारी एक साल पहले तलाक हो गई थी, तो वो कहाँ है डिवोर्स पेपर्स जो आज तक मुझ तक पहुंचे ही नहीं है? ये सदीक जान हो या असतूर हो, वीलॉग करें, सारा कुछ करें, और ये कह रहे हैं कि जी अहमद ने हमें ये कह दिया कि तलाक हो गई, तो क्या ये डिवोर्स पेपर्स भी शो कर सकते हैं अहमद से लेकर अपने प्रोग्राम में, अपने वीलॉग में? वो कहाँ है डिवोर्स नहीं, पेपर्स? लेकिन मुझे अमरीन साहब बिल्कुल यहाँ, अमरीन साहब यहाँ पे ऑब्वियसली मेरे ख्याल में चाहे सिदीक जान हो या कोई भी और साहबी हो, ऑब्वियसली वो यहाँ पे नहीं है। तो लेकिन मुझे एक सवाल आपके सामने तो रखना पड़ेगा कि अगर हस्बैंड और वाइफ में से अगर एक शख्स ये कह रहा है कि जी वो मेरी वाइफ नहीं है, तो जाहिर बात है एक साहबी होने के नाते ये हमारे लिए बड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है कि बीवी कह रही है कि मुझे तलाक नहीं हुई, हस्बैंड कह रहा है मैंने तलाक दे दी है, तो ये आपका आपस का एक पर्सनल इशू भी तो है ना। तो जाहिर बात है जर्नलिस्ट भी तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि मैं अब किसकी स्टोरी के साइड जाऊं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, हमारे शदीद इख्तलाफात रहे हैं उनकी फर्स्ट वाइफ की ही वजह से, क्योंकि मुझे ये कहते थे कि मेरी उससे बोलचाल भी नहीं है, मेरा उसे किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सारे ताल्लुक अहमद के थे। जब मैं कोई सवाल करती थी तो झगड़ा होता था, ठीक है, तो ये मुझे डिच करते रहे उसके उसके उसको लेकर, तो इस वजह से हमारे शदीद इख्तलाफात थे हैं, लेकिन मुझे तलाक कभी भी नहीं हुई है। दो सवाल, जाहिर बात है ये सारा कुछ जब आपको पता लगा होगा तो आपने अहमद साहब से राबता करने की कोशिश तो की होगी ना, या राबता किया आपने? अगर नहीं हुआ तो राबता हुआ आपका? मेरी बात सुने, हमारे इख्तलाफात शदीद है, बात यह है कि अंसार अब्बासी साहब इस चीज के गवाह हैं कि मैंने उनको 1-1.5 महीना पहले राबता किया, जब तो मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा कि ये सारी सूरत हाल है अंसार साहब, ये हमारे बीच में चल रहा है, और हमारी शादी को 15 महीने हुए थे जब अहमद अमेरिका गए थे, तो उस वक्त मेरे दूसरे बेबी के आने की हमें खुशखबरी पता चल चुकी थी जब ये वहां पर गए थे। अब मैं इसके 2 बच्चों की माँ हूँ, अगर ये अपनी पहली बीवी को भी अपने साथ रखना चाहता है तो एटलीस्ट हमसे राबता रखे, बच्चों को देखे, बच्चों को पूछे। अंसार साहब ने कहा आपकी ये बात ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। अंसार साहब ने 1-1.5 महीना पहले जब उससे राबता किया तो अंसार साहब को उसने ये नहीं कहा कि मेरी तलाक हो गई भैया। अमरीन साहब मेरे लिए ना एक्चुअली बड़ा ऑकवर्ड ये सिचुएशन है, बिकॉज ये ना आप लोगों का बड़ा पर्सनल इशू है। मेरे ख्याल में मैं नॉर्मली मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि मैं पर्सनल मैटर्स के अंदर नहीं जाता, अब यहाँ पे अहमद दुरानी साहब हैं भी नहीं कि मैं उनका मौकफ जो है वो आपसे शेयर कर सकूँ। लेकिन आई थिंक यू मेड योर पॉइंट, काफ़ी तक लोगों को क्लियर हो गया है कि आपके कोई आपसी इशूज़ भी हैं जिसकी वजह से भी सिचुएशन जो है वो, मेरा मकसद जो था वो बेसिकली जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ जरा उसके हवाले से भी लोगों को अपडेट करना था। और मेरे ख्याल में काफी तक, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू क्लैरिफाई? अगर आप करना चाहती हैं तो ठीक है, बिकॉज मैं आपके पर्सनल स्पेस में ज्यादा नहीं जाना चाहता। मैं नहीं, बिल्कुल आप सही कहते हैं, इख्तलाफात की नौयत लोगों को पता होनी चाहिए ना कि इख्तलाफात क्यों है। एक लड़की को आप कायल करते हो कि पहली बीवी से मुझे नफरत है, मैं आपके साथ रहूंगा, उसके बाद उस लड़की को एक कोने लगा देते हो, घर में शादियां हुई आपके 2 भाइयों की, आपने मुझे नहीं बुलाया, घर में बहन की शादी हुई आपने नहीं बुलाया, आपकी फर्स्ट वाइफ जिससे बकौल आपके आप शदीद नफरत करते हो, नफरत का रिश्ता है, उससे बातचीत भी नहीं आपकी, वो आपकी नुमाइंदगी करती है हर जगह, उसकी खुशी गमी आपकी खुशी गमी है, और आपकी खुशी गमी उसकी खुशी गमी है, मैं कहाँ पर हूँ? मैं ये कहती थी कि मुझसे शादी की है तो मुझे बीवी होने का हक दें। ठीक है, ठीक है अमरीन साहब, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में आपने काफी हद तक आपका पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ जी, मैं मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि जी मैं जी बोलिए इस लम्हे तक मंसूर अहमद नूरानी के निकाह में हूँ। अहमद ने एक ऐसे वक्त में जहाँ इनके बच्चों को भी खतरा था, मुझे भी था, हम परेशान थे, मैं पुलिस को भुगत रही थी और टीवी पे सब कुछ चल रहा था, मेरे इंटरव्यूज हो रहे थे, लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो उस वक्त में अहमद ने ये बात की कि मैं तलाक दे चुका हूँ, जबकि अहमद पहले मुझे कायल करते रहे हैं कि आप जो है वो
डिवोर्स आप खुला ले लो, अगर मैंने तलाक दी तो लोग कहेंगे पहली बीवी से भी तंग था, दूसरी से भी तंग है। जब आप इतने कॉन्शियस थे तो एकदम आपको क्या हुआ कि आपने झूठी खबर फैला दी कि जी मैंने इससे तलाक हो गई भी है। वो जो दोस्त अब प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं और मुहिम चला रहे हैं, साबका अहलिया लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अमरीन लाहौर की सहाफी से अहमद का कोई ताल्लुक नहीं, क्या उन्होंने वो डिवोर्स पेपर्स देखे हैं? वो ठीक डिवोर्स पेपर्स मुझे भी दिखाएं कि कब मुझे तलाक हुई, अमरीन साहब, थैंक यू सो मुझे मच, बहुत बताएं कि शुक्रिया रिश्ते आपका। ऐसे चलते। मैं कभी, मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि मैं इस मैटर को कभी भी सोशल मीडिया पे लेके नहीं आना चाहती थी। मैंने 3 साल हमारी शादी को हो गया और एक दिन भी मैं रात को रोए बगैर नहीं सोई, लेकिन क्या कभी किसी ने देखा कि सोशल मीडिया पे मैंने कोई जाके ऐसी बात लिखी हो जो अहमद को डैमेज कर सके? मैं आज के दिन तक अहमद को सपोर्ट करती रही है, परसों के बाद तक मैंने अहमद को सपोर्ट किया, कभी किसी को कोई बात पता नहीं लगने दी। और अहमद ने अब अपने दोस्तों को मेरे पीछे लगा दिया, वो सारे कोई साबका अहलिया कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लोगों को फोन कर करके अहमद कह रहे मेरे साबका अहलिया है। क्या प्रेशर आपके ऊपर आ गया? आपने शायद अपनी बीवी को कह रखा था कि मैंने इसको छोड़ दिया हुआ है, वो फिर बात खुल गई कि भाई इसकी अहलिया है, शायद आप उस प्रेशर में आके आपने ये बात की है। जो भी प्रेशर था, आपने शादी की थी, मुझसे भार उठाते, आपके 2 बच्चे हैं मेरे ठीक पास। अमरीन साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, अमरीन फातिमा साहबा की आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, अब काफ़ी हद तक चीज़ें आपको क्लैरिफाई हो गई हैं। इस सारी चीज़ के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक तो वो इंसिडेंट था, दूसरा जो पर्सनल इशूज़ थे उस सिलसिले में भी वो काफ़ी हद तक क्लैरिफिकेशन देना चाहती थी। इस सारे मामले के अंदर अहमद नूरानी साहब का मौक़िफ़ आना भी मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। अहमद नूरानी साहब अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें, उनके लिए भी हमारा प्लेटफॉर्म उसी तरह ही हाजिर है। बीइंग ए जर्नलिस्ट, ये उनका भी राइट है। अगर एक शख्स ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इनकी अहलिया जो वो कह रही हैं और वो फरमाते हैं कि साबिक अहलिया दोनों में से जो भी है, वैसे तो इनका ये पर्सनल इशू है, लेकिन अगर अहमद दुनानी साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें तो आई एम देयर टू एक्चुअली इंटरव्यू हिम ऑल्सो, और ये उनका राइट है। बहरहाल मेरा फ़र्ज़ था कि जो बात एक इस मामले में जो भी एक पार्टी एक बात कहना चाहती है वो आप तक पहुँचे। मेरे ख्याल में अब फैसला अब आपने खुद करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।